नमस्कार। दैनिक राशिफल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज साल का पहला दिन है 2021 का, इसलिए आप सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक बधाई। 2021 में आपके संपूर्ण काम बने, जीवन के हर लक्ष्य को आप प्राप्त करें और यह साल आपके जीवन में धन, सुख, समृद्धि, खुशी और उल्लास से भरा रहे। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं। इसलिए आप सभी लोगों को पहला जनवरी की हार्दिक बधाई और नौ वर्ष की हार्दिक बधाई। प्रिय दर्शकों, आज दैनिक राशिफल में मैं पांच लक्ष्य को बताऊंगा जिसको 2021 में आपको सोच करके चलना है कि मुझे उन चीजों पे ही प्राप्त करना। अगर पांच लक्ष्य पे आप चलते हैं और अपने जीवन में इस चीजों को आप उतारने का प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पर जीवन में सफलता की प्राप्ति करेंगे, जिसमें सबसे पहला लक्ष्य रहेगा फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। जी हाँ, आपको अपने लक्ष्य पे फोकस करना है कि मुझे एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ना है। किसी की बातों में आकर के या किसी के विचारों में आकर के अपने लक्ष्य पे परिवर्तन नहीं करना है। 2021 में पहला प्रण आप लीजिए। दूसरा, आपको क्या करना है कि नेवर गिव अप, हार नहीं मानना है। कैसी भी परिस्थिति हो जाए, आप अपने कर्म पे इतना अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि कोई कितना भी परिस्थिति और स्थिति आपको डगमगाने का प्रयास करे, आप अपने लक्ष्य पे फोकस करिएगा और हार मत मानिएगा। तीसरा आपको है कि नो एक्सक्यूज, बहानाबाजी बंद करना है और जीवन की कमियों को दूर करना है। 2021 में आप ये प्रण लीजिए, तब जीवन में आप निश्चित तौर पे सक्सेस करिएगा। डोंट वेस्टेज योर टाइम। जी हां, 2021 में आप ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में समय सीमा का प्रयोग करिएगा, समय की बर्बादी मत करिएगा तो निश्चित तौर पे अपने लक्ष्य की ओर प्राप्त करिएगा। और क्योंकि जीवन में कभी भी कुछ अचानक प्राप्त नहीं होता है, यह चीज तो आप जानते हैं, इसीलिए टेक ए स्मॉल स्टेप, छोटे छोटे स्टेप को लेकर के सामने वालों को मान सम्मान, इज्जत, माता पिताओं का आशीर्वाद प्राप्त करके, ज्ञानी पुरुष से वह पैसे में छोटा हो या बड़ा हो, उम्र में छोटा हो या बड़ा हो, उसके ज्ञान को प्राप्त कर करके अपने लक्ष्य की ओर प्राप्ति की ओर बढ़िए 2021 में। आइए हम सभी लोग इसी चीजों को, पांच चीजों को अपने जीवन में उतारते हैं और लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। प्रिय दर्शकों, चलिए आज बढ़ता हूं 1 जनवरी 2021 का दैनिक राशिफल की ओर। दिन है आज का शुक्रवार, माह है पूष माह का कृष्ण पक्ष द्वितीय तिथि, 9:33 तक ही है, फिर तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इसके अलावा जो है पुष्य नक्षत्र 8:15 रात्रि तक आज रहेगा, फिर अश्लेषा नक्षत्र का प्रवेश हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि चंद्रमा अपनी राशि में ही बैठ करके शुरुआत कर रहे हैं और दिन भी है शुक्रवार, माता लक्ष्मी का, जो प्रतीत करता है कि आने वाला 2021 आपके लिए अत्यधिक लाभकारी रहेगा। तो चंद्रमा कर्क राशि में है, 11:32 से लेकर के 11:52 के मध्य में राहु काल रहेगा, इसके मध्य में कोई भी काम मत करिएगा। गुलिक काल शुभ काल होता है, अतः 7:51 प्रातः से लेकर के 9:12 के बीच में आप कहीं यात्रा करने निकलना चाहते हैं या कोई भी शुभ काम करना चाहते हैं तो अवश्य करिएगा। वाहन खरीदना अगर आप चाहते हैं तो 6:49 शाम से लेकर के 8:15 शाम तक का समय बहुत ही शुभ और लाभकारी रहने वाला है। नामकरण मुहूर्त भी है, अगर आप अपने संतान का या बच्चे का नामकरण करना चाहते हैं आज तो 2:49 प्रातः से लेकर के शाम को 6:47 तक बहुत ही बढ़िया नामांकन मुहूर्त भी निकल रहा है आज। 11:31 प्रातः से लेकर के 12:14 तक अभिजीत मुहूर्त और 1:44 से 3:22 तक अमृतकाल मुहूर्त है। ये दोनों मुहूर्त बहुत ही शुभ होते हैं किसी भी प्रकार के काम को करने के लिए। तो दैनिक राशिफल में आज का प्रारंभ करता हूं मेष राशि वाले। मेष राशि वाले, धन की वृद्धि होगी, यात्राओं में आज आप सुखी रहिएगा, उच्च प्रकार के लोगों के साथ आज आपके सम्मान की प्राप्ति होगी। ऑनलाइन रिलेटेड काम क्षेत्र वालों के लिए विशेष लाभ की प्राप्ति के योग बनेंगे। छोटे भाई बहनों को आज महत्वपूर्ण गिफ्ट की प्राप्ति भी देने वाले हैं आप, और साथ में जो है रिश्तेदारों के द्वारा कुछ जो है परेशानियां उत्पन्न हो रही थी वह भी दूर हो जाएंगी। शिक्षा संबंधित आज अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त कीजिएगा। किसी धार्मिक स्थल की यात्रा आज आपको बहुत ही शुभ और उन्नतिकारक समय देने वाला रहेगा। आज के दिन आपके पिता से तालमेल और माता से विशेष लाभ की प्राप्ति के योग बनेंगे। आज आप उचित लक्ष्य की ओर, जो आपने मन में विचार किया था कि मुझे कुछ प्राप्त करना है, वह प्राप्त होने के योग भी बनेंगे। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो आज है दिन है शुक्रवार,
माता लक्ष्मी का दिन है तो सुबह सुबह माता लक्ष्मी जी को मिश्री चढ़ाइए और नए साल का शुरुआत बहुत ही सुचारू रूप से करिए। वृषभ राशि वाले, आज का दिन आपका बहुत ही बेहतरीन जाने वाला। आज अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करिएगा, अपने उम्मीदों को प्राप्त करिएगा। आज के दिन आपको प्रेम संबंध में जो विश्वासघात हो रहा था या फिर अविश्वासिता की स्थितियां जो बनी हुई थी उससे परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी। छोटे भाई बहनों को आज लाभ की प्राप्ति भी होगी, रिश्तेदारों को भी आज विशेष लाभ की प्राप्ति के योग बनेंगे। आज आपको नौकरी और व्यवसाय में विशेष धन की प्राप्ति के योग भी बनेंगे। इसके अलावा जो है प्रमोशन और पदोन्नति हेतु आज के दिन कुछ अच्छे गुड न्यूज मिल सकते हैं, भले ही छुट्टी का दिन हो सकता है। इसके अलावा उच्च प्रकार के लोगों के साथ संपर्क में दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छे रहेंगे। मन मुटाव जो दाम्पत्य जीवन में चल रहा था उसमें भी आज बहुत हद तक सुधार की उम्मीद बनती है। भाग्य भी साथ देगा, अच्छी यात्रा और सुखद यात्रा रहेंगी। आज के दिन को बहुत ही बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो अगर गन्ने का जूस मिलता है माता लक्ष्मी को भोग लगा देते हैं, और अगर गन्ने का जूस नहीं मिलता है तो माता लक्ष्मी को जो है आप जो है बतासा का भोग लगाते हैं। तो आज का दिन आपका बहुत ही बेहतरीन जाएगा, क्योंकि साल का शुरुआत माता लक्ष्मी के दिन से हो रहा है तो माता लक्ष्मी को विशेष मान करके ही आज हर उपयोग और प्रयोग को करना बेहतर रहेगा। मिथुन राशि वाले, अचानक धन की प्राप्ति के साथ कुछ महत्वपूर्ण सहयोग बनेंगे। अचानक कहीं घूमने जाने का आज प्लानिंग बन सकता है। नए विवाह के लिए रिश्ते आएंगे, पुराने वैवाहिक जीवन में जो समस्याएं चल रही थी वह भी ठीक हो जाएंगी। ससुराल पक्ष वाले भी आपकी गलतियों को एक्सेप्ट करेंगे और उचित लक्ष्य की ओर आपको ले जाने का प्रयास करेंगे। परिवार वालों लोगों से आज तालमेल की स्थितियां बहुत ही अच्छी रहेंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज आया हुआ अचानक धन जो है आपके सुख समृद्धि को बढ़ाने वाला रहेगा। संतान के प्रति आज का समय बहुत ही अच्छा रहेगा। आज अपनी वाणी के दम पे, अपनी कला के दम पे जो है लोगों के मध्य में आज आप सम्मान प्राप्त करिएगा। पुराने किसी मित्र से या प्रेमी या प्रेमिकाओं से जो है संपर्क के योग बनते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज पिता के द्वारा और माता के द्वारा आपको कुछ विशेष धन की प्राप्ति के योग निश्चित तौर पर बनते हैं। आज के दिन को बहुत ही बेहतरीन बनाना चाहते हैं, माता लक्ष्मी जी को खीर बना करके भोग लगाइए और नए साल का शुरुआत कीजिए। दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। कर्क राशि वाले, आज का दिन आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज आप बहुत ही शांति से अपने जीवन के महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। आज उन चीजों पर भी आप ध्यान देंगे कि किन लोगों का व्यर्थ में सहायता आपने किया है और वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा लेकिन आपको ध्यान भी नहीं दिया। आज के दिन दाम्पत्य जीवन में जो मतभेद की स्थितियां चल रही थी, परस्पर दोनों के बीच में क्या गलती थी, किस प्रकार से मिसअंडरस्टैंडिंग की स्थितियां उत्पन्न हो रही थी, उसको भी आज आप ठीक करने वाले रहेगा। शिक्षा और संतान के लिए समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। पिता के द्वारा लाभ के साथ में अचानक संपत्ति का योग भी निश्चित तौर पर बन सकता है। आज आपकी यात्राएं होंगी, छोटी यात्राएं होंगी, लेकिन मन की शांति और एक न्यू जज्बा और न्यू कॉन्फिडेंट के साथ जो है आज आपके जीवन का शुरुआत होगा। आज प्रातःकाल अगर आप भगवान शिव को जल और दूध चढ़ा देते हैं और माता लक्ष्मी जी को गन्ने का भोग लगा देते हैं या फिर बतासे का भोग लगाते हैं तो आय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैसले आज आपके लिए आने वाले रहेंगे। सिंह राशि वाले, व्यर्थ के खर्च पे लगाम होगा। आज अपनी भौतिक सुख सुविधाओं पे खर्च ना करके उन सभी चीजों को छोड़ करके आप अपने कर्ज की समाप्ति के लिए जो है कुछ जुगाड़ लगाएंगे। आज अचानक आया हुआ धन को आप कर्ज में ही तब्दील करने का प्रयास करिएगा, ना कि अपने भौतिक सुख सुविधाओं पे खर्च करने का प्रयास करिएगा। जिनकी परिवार के कुछ लोगों से मतभेदता या फिर दाम्पत्य जीवन या लव लाइफ खराब हो चुका था उन लोगों का आज आपको बहुत ही ज्यादा याद सताने वाला रहेगा। साथ में जो है आज आप ऑनलाइन से रिलेटेड, आज जो है फाइनेंस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य की ओर आप प्रयास भी करिएगा। आज आप अपनी बुद्धि का प्रयोग अपनी कमियों को सुधारने में करिएगा। आज आपका भाग्य पूर्णता साथ देगा। थोड़ा मन की घबराहट इसलिए हो सकती है क्योंकि व्यर्थ के खर्च बहुत ज्यादा हो रहे थे, तो कहां और किस कारण से व्यर्थ के खर्च हो रहे थे इन सभी चीजों का आज आप बैठ करके बहुत ही अच्छे से आंकलन करिएगा और मन में एक नया शुरुआत और एक कॉन्फिडेंट आपके अंदर जनरेट होगा और जीवन में किसी बड़े लोगों को अपने जीवन में उतार करके आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा। आज के दिन को बहुत ही बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो दूध और रोटी जो है कुत्ते को प्रातःकाल खिलाइए या शाम में खिला दीजिए,
तो देखिए कि जीवन के उचित लक्ष्य की ओर जाने के रास्ते ऑटोमेटिक प्रारंभ हो जाएंगे। कन्या राशि वाले, पैसे की दिक्कत तो निश्चित तौर पे थोड़ी है, लेकिन आज का दिन थोड़ा अचानक धन की प्राप्ति होगी। आपके शिक्षा या संतान में कुछ परेशानियां जो उत्पन्न हो रही थी वह ठीक हो जाएंगे। आपके संतान का स्वास्थ्य में थोड़ी बाधाएं हो रही थी, नौकरियों को लेकर के कुछ गुड न्यूज नहीं मिल रहा था, तो वह भी ठीक होंगे। कुछ बड़े लोगों का संपर्क आज आपको एक जीवन के नए मार्ग को दर्शाएगा, एक नए जीवन के कैलकुलेशन को दर्शाएगा, और रिश्तेदारों से भी विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। सबसे महत्वपूर्ण आज का समय इसलिए बढ़िया रहेगा कि विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कुछ ऐसे ऐसे लोगों के साथ या कुछ ऐसे ऐसे कंसाइनमेंट की स्थितियां उत्पन्न होंगी जो आपके लिए बहुत ही फेवरेबल और बहुत ही लाभकारी रहेगा। आज के दिन को बहुत ही बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो कपूर से माता लक्ष्मी जी का जो है आज आरती कर दीजिए। नए साल का शुरुआत है, शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी का दिन है, तो माता लक्ष्मी को तो आज विशेष पूजा आपको करना ही चाहिए। कन्या राशि वाले, तुला राशि वाले, आज का जो दिन रहेगा आप कुछ ऐसे ऐसे अपने जीवन के महत्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाएंगे कि मैं क्या बोलूं। आज बहुत ही हेल्दी पूर्ण समय रहने वाला है। प्रातः आप जल्दी उठ करके उठेंगे, मन में कॉन्फिडेंट रहेगा और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रयास करिएगा। माता और पिता से विशेष लाभ के आज के दिन योग भी बनने वाले रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, मन में जो घबराहट चल रही थी कि प्रॉपर्टी कैसी होगी, संपत्ति कैसी होगी, वाहन कैसे होगी, तो इसके सुखों की वृद्धि निश्चित तौर पे हो सकती है। अचानक कर्ज की समाप्ति भी आज करेंगे। प्रमोशन पदोन्नति के लिए कुछ विशेष लोगों की आवश्यकता थी लेकिन उनसे संपर्क नहीं स्थापित हो पा रहा था, तो आज आपसे संपर्क भी स्थापित हो जाएंगे। आज स्वतः ही परिवार के लोगों से तालमेल अच्छे हो जाएंगे। प्रेम संबंध की स्थितियों में थोड़ा मिठासपन आ जाएगा। आज अपनी गलतियों को रियलाइज करके जो है दूसरों के सामने आप क्षमा मांगेंगे और अपनी महत्वपूर्ण लक्ष्यों की ओर किस प्रकार से बढ़ना है आपको ऐसे प्रकार के लोगों से संपर्क भी स्थापित होगा। आज के दिन को बहुत ही बेहतरीन बनाना चाहते हैं, दूध और मिश्री लक्ष्मी जी को भोग के रूप में लगाइए। साल का शुरुआत शुक्रवार से है, बेहतर बनाइए, देखिए कि कितना बढ़िया समय जाएगा। वृश्चिक राशि वाले, भाग्य तो निश्चित तौर पर आज साथ देगा। पिता का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था वह भी ठीक हो जाएगा। छोटे भाई बहनों से विशेष लगाव के योग बनेंगे। सरकारी कुछ कर्म क्षेत्र वाले लोगों से संपर्क के योग बनेंगे। संतान और शिक्षा के योग आज आपके निश्चित तौर पे बहुत ही बढ़िया रहने वाले रहेंगे। पेट की समस्या और दाम्पत्य जीवन में जो कुछ बाधाएं चल रही थी इसमें आप सुधार करने का प्रयास करेंगे। अचानक अचानक आया हुआ पैसा और अचानक अचानक खर्च भी जो हो रहा था इसको भी निश्चित तौर पे आप दूर करने वाले रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आज आप पराक्रम और बुद्धि दोनों का प्रयोग करके लाइफ में आगे बढ़िएगा और किसी प्रकार का भी कोई केस मुकदमा या ससुराल से विवाद की स्थितियां थी सामने वाला स्वतः ही एक्सेप्ट करेगा कि हाँ जीवन में मेरी गलती थी। आज के दिन को बहुत ही बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो माता लक्ष्मी को जो है चूरमा बना करके मिश्री का या चीनी का भोग लगा दीजिए। साल का शुरुआत शुक्रवार माता लक्ष्मी से करिए, तभी जीवन में सफलता के रास्ते खुलेंगे। वृश्चिक राशि वाले, धनु राशि वाले, ऊपर वाले के घर में देर होता है, अंधेर नहीं होता है। जी हां, गुरु और शनि धन स्थान में बैठ करके वाणी से भी आपको मजबूत बना रहा है और दिमाग से भी मजबूत बना रहा है। बहुत लोगों ने आज आपको ठगा था, बहुत लोगों ने आज तक आपको बेवकूफ बनाया था। आज के दिन आप अपनी वाणी पे मिठास और साथ में चालाकी भी दिखाइएगा। कुछ पुराने मित्र आपसे पैसे मांगेंगे लेकिन आज आप नेगलेक्ट करिएगा और साथ में जो है आपको किस प्रकार से अपना काम निकालना है उस पर विशेष फोकस करिएगा। भाग्य आज आपका साथ देगा। संपत्ति के योग भी बनेंगे, शिक्षा संबंधित महत्वपूर्ण योग चल रहे थे। आज आप फाइनली जो है एक चीजों पे जो है नियंत्रण करिएगा और एक डिसीजन पे पहुंचिएगा कि मुझे किस लोगों से संपर्क रखना चाहिए, मुझे प्रेम संबंध रखना चाहिए कि नहीं, मुझे परिवार वाले लोगों के साथ रहना चाहिए कि नहीं, और इन सभी फैसलों में आपकी विजयी होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, आज का दिन जो है प्रेम संबंध में सुधार आएंगे, नए विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते मिलेंगे। अचानक किसी लड़की से संपर्क स्थापित हो सकता है या लड़की है तो लड़का से संपर्क स्थापित हो सकता है। अचानक आया हुआ धन अच्छी यात्रा की ओर लेकर के जाएगा और अचानक आया हुआ धन एक उचित लक्ष्य की ओर भी आपको लेकर के जाएगा। यानी कहीं ना तो कहीं
निश्चित तौर पे आपका समय बहुत ही बढ़िया प्रतीत होता है धनु राशि वाले, आज के दिन को बहुत ही बेहतरीन बनाना चाहते हैं। एक नारियल लीजिए, फोड़िए और माता लक्ष्मी जी को भोग लगाइए, साल का शुरुआत करिए बहुत ही शुभ परिस्थितियों में। मकर राशि वाले, बहुत ही बेहतरीन दिन है, व्यापार और नौकरी को लेकर के कुछ गुड न्यूज की संभावनाएं रहेंगी, ऑनलाइन रिलेटेड लोगों के लिए लाभ की प्राप्ति होगी। मानसिक तनाव चल रहा था, कर्ज की स्थितियां परेशान कर रहे थे, कर्जदार मानसिक तौर पे डैमेज कर रहा था, वह भी ठीक हो जाएंगे। परिवार वाले लोग कभी बहुत महत्व नहीं देते थे, लेकिन आज आप परिवार वालों के लिए कुछ अच्छे करने वाले रहेंगे। जिसके कारण आपकी नौकरियों में परेशानियां चल रही थी, वो लोग संपर्क में आकर के आपको लाभ पहुंचाने का प्रयास करेंगे। संतान और शिक्षा संबंधित तो समस्याएं ठीक रहेंगी। जिन स्त्रियों को गर्भ से रिलेटेड या ब्लड से रिलेटेड कुछ दिनों से समस्याएं जो उत्पन्न थी, वह भी निश्चित तौर पर ठीक होगा और कर्ज की मुक्ति के लिए आज आप विशेष प्लानिंग करने वाले रहेंगे। आज के दिन को बहुत ही बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो प्रातः काल सो करके उठिए और स्नान करते समय जल में जो है आपको हल्दी डालना है, और प्रातः काल घर से निकलते समय जो है आपको शिवलिंग पे जल में काला तिल मिला करके चढ़ा देना है। कुंभ राशि वाले, महत्वपूर्ण तथ्य को यह समझना है कि शिक्षा की स्थितियां अच्छी चल रही थी, प्रेम संबंध की स्थितियां अच्छी चल रही थी, शेयर मार्केट से रिलेटेड परिस्थितियां अच्छी चल रही थी, लेकिन अचानक जो लॉस का कंडीशन बना उसको अचानक ये दूर करेगा। आज अचानक आप कर्ज की विमुक्ति कर देंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात कि विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिलने की संभावनाएं रहेंगी। ऑनलाइन रिलेटेड कर्म वालों के लिए आज अचानक ग्रोथ का समय दिखने को दिख रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि आज आपको भाई बहनों से लाभ के साथ अचानक धन की भी प्राप्ति के योग बन रहे हैं। माता और पिता का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा था और उन सभी चीजों में व्यर्थ के जो धन खर्च हो रहे थे, वह भी ठीक हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आज आप हो सकता है घर में ही रह करके बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोग्राम करेंगे और बहुत ही अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क भी स्थापित करेंगे। यानी कहीं ना तो कहीं कुंभ राशि वाले, आज का दिन बहुत ही बेहतरीन है, आज के दिन को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो लक्ष्मी जी का दिन है, माता लक्ष्मी जी को गोंद की लड्डू चढ़ाइए प्रातः काल या शाम के समय या दोपहर के समय। यह भी नहीं कर पाते हैं तो कम से कम बतासे का भोग लगाइए, देखिए दिन कितना बढ़िया जाने वाला रहेगा। कुंभ राशि वाले, मीन राशि वाले, आज के दिन प्रेम संबंध में सुधार आएगा। जो लोग को शिक्षा में बाधा या नौकरी संबंधित कुछ परेशानियां चल रही थी, कुछ अच्छे लोगों से संपर्क स्थापित हो सकते हैं, वह वर्चुअल हो या फिर फिजिकली हो। धन की प्राप्ति के लिए अचानक अचानक योग बनेंगे। ऐसे भी आप लोगों का दिन थोड़ा सा अच्छा आया, बहुत जीवन में कष्ट आप लोगों ने देखा है, भाग्य ही साथ नहीं दे रहा था, छोटे छोटे से कारणों से कुछ महत्वपूर्ण कार्य रुक रहे थे, वह भी ठीक हो जाएंगे। पिता का स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा। शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ ज्ञान की बातें आज आप सीखेंगे। आज आप अध्यात्म में क्यों रुचि लेकर के महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण फैसलों को सीखने वाले रहिएगा। और सबसे बड़ी बात कि दाम्पत्य जीवन में आज सुधार आएगा। अपनी गलतियों को स्वतः ही दूर करिएगा और मजबूत चंद्रमा, पावरफुल चंद्रमा जो है, आपको यह दिखाएगा कि लाइफ में किस तरीके से मुझे अपने ट्रैक पे जाना है। मित्रों का साथ, भाई बहनों का साथ और कुछ उच्च प्रकार के लोगों का साथ आज आपका दिन बहुत ही बेहतरीन बनाएगा। दाम्पत्य जीवन हेतु समय तो बहुत बढ़िया है। अचानक आया हुआ धन जो है छोटी यात्राओं की ओर जबरदस्ती को आपको लेके जा सकता है। मतलब दिन आज के दिन बहुत ही अच्छा है। आज के दिन को बहुत ही बेहतरीन बनाना चाहते हैं मीन राशि वाले, बहुत ही आसान उपाय करना है। ओम केम केतवे नमः प्रातःकाल इस मंत्र के 11 बार जाप करना है और आटे की गोलियां बना करके मछली को दे दीजिए। अगर यह भी नहीं कर पाते हैं तो लक्ष्मी जी को जो है दूध का भोग लगाइए, उसमें थोड़ा चूड़ा भी अवश्य डालिए और ओम श्रीम श्री नमः मंत्र का 108 बार, 51 बार या 21 बार जाप कर लीजिए। साल का शुरुआत शुक्रवार से माता लक्ष्मी के वार से है तो कम से कम माता लक्ष्मी को प्रसन्न करिए, यह बेहतरीन रहेगा। प्रिय दर्शकों, 1 जनवरी 2021 का संपूर्ण राशिफल मैंने आपको बताया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। तो मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आऊंगा मैं आपके पास अनेकों अच्छे अच्छे वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए
नमस्कार, नव वर्ष मंगलमय हो, जीवन के सभी लक्ष्य को प्राप्त करिए। मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता ईश्वर से आप लोगों के लिए यही प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद।